please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हैं। पूरी दुनिया में जिस कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है उसका खात्मा हो रहा है और वो भी खुद ब खुद पूरी दुनिया जहां वैक्सीन का इंतज़ार कर रही है और भारत में भी 73 दिन बाद वैक्सीन आने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन वैक्सीन भी देश के 68 करोड़ लोगों को 2022 तक लगाई जा पाएगी। ऐसे में अब कोरोना ने खुद चौंका दिया है। कोरोना दरअसल भारत में कमज़ोर पड़ने लगा है, ये राहत की खबर है। वायरस के कमज़ोर पड़ने के अब कारण भी सामने आ चुके हैं, जो बेहद अच्छी खबर है। इसके कारण भी हम आपको आज बता रहे हैं। इसके तीन बड़े कारण अब सामने आए हैं। दरअसल पहला कारण जो है वो ये है कि भारत में कोरोना के खिलाफ तेज़ी से लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो रही है। दरअसल सीरो सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी पहले से ही ठीक है और अब लोगों के बीच जब कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो उनके बीच वायरस से लड़ने की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगी है। हार्ड इम्यूनिटी पर पूरा संसार भी अब जोर देने लगा है। असल में बहुत सारे लोग जब संक्रमित हो जाते हैं तो उनके अंदर वायरस से लड़ने की रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा होने लगती है और धीरे धीरे लोग वायरस को बेअसर कर देते हैं और एक समय में वायरस प्रभावहीन होने लगता है, जैसा आम सर्दी जुकाम में होता है। जुकाम की हर्ड इम्यूनिटी पहले से ही पूरे संसार में विकसित हो चुकी है, जिससे हम जुकाम को एक साधारण रोग मानते हैं। एक कारण है भारत में वायरस की आर वैल्यू। कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आकर संक्रमित होने वाले लोगों के औसत को आर वैल्यू कहा जाता है, मतलब कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब भारत में वायरस की आर वैल्यू घटकर लगभग एक तक पहुंच गई है, जो पहले 1.48% थी। 100 लोग तकरीबन 148 लोगों को संक्रमित कर सकती थी, लेकिन घटी हुई आर वैल्यू 1.08% पर पहुंचने से 100 लोग अब 106 लोगों को ही संक्रमण फैला सकते हैं। अब कोरोना के जल्द खत्म होने का संकेत दे रही है ये बात। WHO भी ये कह चुका है कि कोरोना वायरस अब 2 साल से कम वक्त में खत्म हो जाएगा। भारत में मई के बाद से ही कोरोना मामलों में भारी गिरावट हुई है और जांच क्षमता बढ़ी है। टेस्ट के बाद अब केस नहीं बढ़ रहे हैं। अगस्त महीने की शुरुआत में जहां लोगों के बीच संक्रमण का आंकड़ा 9% था, वहीं बीते 15 से 20 दिन में ये आंकड़ा 8.72% पर पहुंच गया, मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 3 महीने में पहली बार ये ग्राफ जो है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। पिछले 15 दिन में कोरोना के मामलों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, जो पहले लगातार बढ़ रहा था। आर वैल्यू के 1 पर पहुंचने का मतलब ही पैंडेमिक के खत्म होने की घंटी मानी जाती है, जो लगातार घट रही है। देश में इस वक्त 800,000 टेस्टिंग हर दिन हो रही है, जिसमें से 60,000 से 65,000 मरीज रोज निकल कर सामने आ रहे हैं, जो इलाज के लिए भेज दिए जा रहे हैं। ऐसे में ठीक होकर लौटने का क्रम जो है वो भी तेज़ी से बढ़ा है। देश में रिकवरी रेट भी 70% तक अब पहुँच गई है और लोग संक्रमण को अब बेहद कम समय में हरा पाने में सक्षम हो रहे हैं। देश में सीरो सर्वे ने भी इस मामले में अहम भूमिका निभाई है। ये जानने में कोरोना की मार को सबसे ज़्यादा झेलने वाले पुणे में जब सीरो सर्वे हुआ तो शहर के 51% लोगों में कोरोना के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है, मतलब कि इन 51% लोगों को कोरोना होकर खुद ब खुद ठीक हो चुका था और वो भी बिना लक्षणों के या कम लक्षणों के साथ, और न ही उनका कोई कोविड टेस्ट हुआ इससे पहले, न उन्हें कोई दिक्कत हुई। देश भर के शहरों में लोगों में सीरो सर्वे में पाया गया है कि लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं और अब उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। साथ ही घटती हुई मृत्यु दर भी देश के लिए एक अच्छी खबर है। तो ये देश के लिए, आप तमाम लोगों के लिए, एक संसार भर के लिए एक अच्छी खबर है और अच्छी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, ये हमारा काम है। अगली खबर तक आप हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।